नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में इन दिनों सबसे बड़े त्यौहार दुर्गा पूजा का मौसम है, सीजन है। आज महाअष्टमी है और हर साल दुर्गा पूजा देश विदेश में सुर्खियां बटोरती रहती है, लेकिन इस बार कोलकाता की एक दुर्गा पूजा गलत वजहों से सुर्खियों में है। दरअसल अखिल भारतीय हिंदू महासभा नाम के संगठन ने पहली बार इस पूजा का आयोजन किया है और उसमें जो प्रतिमा लगाई गई थी महिषासुर की, वो देखने में महात्मा गांधी की तरह थी। आप जानते हैं कल ही महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई है, तो इस प्रतिमा की तस्वीरें, खासकर महिषासुर के तौर पर जो चेहरा था वो महात्मा गांधी से मिलता जुलता था, सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इस बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, तमाम सियासत गरमाने लगी इस पर और आलोचना होने लगी। उसके बाद पुलिस ने रातों रात जाकर मूर्ति में बदलाव कर दिया, चश्मा हटाकर वहां मोच लगा दी चेहरे पर और सिर पर नकली बालों की वीक लगा दी। लेकिन इस मुद्दे पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आयोजकों का कहना है कि यह कोई गलत नहीं था जो प्रतिमा बनी थी और पुलिस ने जबरन उसमें बदलाव किया है। इसके विरोध में आज आयोजकों के ओर से धरना भी आयोजकों ने दिया पंडाल के सामने, और दूसरी ओर इस पर सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। पहले आपको दिखाऊंगा मूल प्रतिमा की तस्वीर और उसके बाद आप देखिए उसमें बदलाव के बाद क्या है। आखिर तक देखिए, पूरी रिपोर्ट दिलचस्प है। सियासत के बारे में भी बताऊंगा जो गर्मा रही है इस मुद्दे पर, और जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबाना मत भूलें। तो चलिए देखते हैं पूरी तस्वीर, कुछ और दुर्गा पूजा पंडालों की तस्वीरें और वीडियोज भी आपको दिखाऊंगा। आपने देखी तस्वीर, उससे लगा होगा कि जो पहली प्रतिमा में महिषासुर की प्रतिमा में जो चेहरा था वो कहीं से असुर तो लगता नहीं था, हालांकि महात्मा गांधी से उसका चेहरा काफ़ी हद तक मिलता जुलता था। आयोजकों ने विवाद बढ़ने पर इसे महज एक संयोग करार दिया है। रविवार को पूरा देश जब राष्ट्रपिता की जयंती मना रहा था तो कोलकाता में हिंदू महासभा की ओर से आयोजित पूजा पर यह नया विवाद खड़ा हो गया, और रूबी क्रॉसिंग के पास जो पंडाल बना है उसमें देवी की प्रतिमा में जो महिषासुर की मूर्ति थी वह महात्मा गांधी से मिलती जुलती थी। अब पुलिस के हस्तक्षेप के बाद रातों रात प्रतिमा में महिषासुर का चेहरा बदल दिया गया है। हालांकि हिंदू महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष होने का दावा करने वाले चंद्रचूड़ गोस्वामी का कहना है कि गांधी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे उनको यह सम्मान दिया जाना चाहिए। हमारा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। हर चश्मा पहनने वाला गंजा व्यक्ति महात्मा गांधी हो यह जरूरी नहीं है। तस्वीरों में जो वायरल तस्वीरें हैं उनमें साफ देखा जा सकता है कि असुर की प्रतिमा का चेहरा हूबहू महात्मा गांधी से मिलता है। उसके बाद विवाद तेज हो गया। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के सदस्य कौस्तुभ बागची ने आयोजकों के खिलाफ टीटागढ़ थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करा दी, और चौतरफा विवाद तेज होने के बाद रातों रात पुलिस ने चेहरा बदल दिया। दूसरी ओर कस्बा थाना, जिसके तहत यह इलाका है, उसने भी एक स्वतः स्फूर्त मामला दायर किया और चेहरे पर चश्मा हटाकर मूछ लगाई गई और नकली बाल लगा दिए गए।
और उनका कहना है कि चंद्रचूड़ गोस्वामी जो आयोजक हैं उनकी ओर से कहना है कि यह सही है कि असुर का चेहरा गांधी जी से मिलता था, लेकिन गांधी जी को असुर के तौर पर नहीं दिखाया गया था, यह महज एक संयोग था। लेकिन हम मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानते, हम नेताजी का सम्मान करते हैं। आयोजकों का दबाव है, दावा है कि ऊपरी दबाव की वजह से मूर्ति के चेहरे में बदलाव किया गया, वो इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसके विरोध में आज धरना भी दिया है उन्होंने। और हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर गिरी महाराज कहते हैं कि हिंदू समुदाय के लोग धार्मिक से ज़्यादा दार्शनिक हैं, गांधी जी किसी भी लिहाज से महात्मा नहीं थे, ऐसे में अगर असुर की मूर्ति उनकी तरह दिखती थी तो कुछ गलत नहीं था। दूसरी ओर इस मुद्दे पर सियासी विवाद भी लगातार तेज हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव कुणाल घोष का कहना था कि ऐसी घटना की कल्पना तक नहीं की जा सकती, इससे बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया है, यह एक नाटक है, महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं और उनका ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भी इस मामले की निंदा करते हुए कहा है कि आयोजकों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। दूसरी ओर बीजेपी ने भी इस घटना की निंदा की है और आयोजकों को गिरफ्तार करने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार का कहना था कि महात्मा गांधी देश के महान सपूतों में से एक थे, उनको इस तरह नहीं दिखाया जाना चाहिए था। दूसरी ओर इस मामले में जब पुलिसिया कार्रवाई भी हो गई, थाने में प्राथमिकी दर्ज हो गई, तो आयोजकों का कहना है कि इसका मुकाबला कानूनी तौर पर किया जाएगा और उनका कहना है कि पुलिस ने जबरदस्ती प्रतिमा का चेहरा बदला, हम लोगों को यह मंजूर नहीं है और एकदम चेहरा बदल गया है, इसलिए हमें यह मंजूर नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं, धरना देते हैं और हो सकता है कि हम लोग उनका दावा था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भी फोन आया था, उनको कहा गया कि गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन मैंने कहा कि गिरफ्तार होने से मैं नहीं डरता, सच बोलने का साहस है मुझ में, सच बोलने से नहीं डरता, हम लोग आज पूजा पंडाल में ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले पर मूर्ति का चेहरा भले बदल गया हो, विवाद लगातार बढ़ रहा है और अब सियासत भी तेज हो रही है। यह तो हुआ महिषासुर और गांधी जी के चेहरे के एक जैसे होने का मामला, अब आपको दिखाता हूँ कुछ और पूजा पंडाल जिनमें भारत सेवाश्रम संघ का भी है, दूसरे पूजा पंडाल में आरती का भी दृश्य है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। I'm gonna be